रविवार को रोसेटा इलाइट द्वारा सुविधा सुरक्षा सत्कार इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिस दौरान नागपुर के नवनियुक्त महापौर दयाशंकर तिवारी और पुलिस उपायुक्त विनीता शाहू मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थी। हमारे समाज में बहुत से ऐसे लोग रहते हैं जो खुद का स्वार्थ ना देखते हुए हमारी सुरक्षा हेतु सतत कार्यरत रहते हैं। उनको सराहने हेतु रविवार को रोसेटा इलाइट द्वारा सुविधा सुरक्षा सत्कार इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। रोसेटा इलाइट द्वारा सामाजिक दृष्टि से हर कुछ दिनों में ऐसे उपक्रमों का आयोजन किया जाता है, जिनमें से यह एक है। इस बारे में अधिक जानकारी दी रोसेटा इलाइट के संचालक मनीष लांजीवान ने। देखिए, ओवरऑल क्राइम अगेंस्ट विमेन इसमें वृद्धि नहीं हुई है, इसमें घट हुआ है, बट देर आर मेनी क्राइम्स विच गो अनरिपोर्टेड, क्योंकि महिलाएं सामने आती नहीं हैं, उनके साथ में ईव टीजिंग जैसी घटनाएं होती हैं, साइबर क्राइम्स होते हैं, फेक प्रोफाइल्स का बनाना, ब्लैकमेलिंग करना और सेक्सुअल हरासमेंट होना, वर्क प्लेस पर सेक्सुअल हरासमेंट होना, इन सब के बारे में महिलाएं खुलकर बताती नहीं हैं और उनको हमेशा लगता है कि अगर वो इस तरीके का मुद्दा लेकर पुलिस में जाएंगे तो उनकी बदनामी होगी। मेरा सबसे पहले आपको रिक्वेस्ट है कि अगर ऐसा कोई भी इंसिडेंस होता है तो कृपया करके आप पुलिस स्टेशन को ज़रूर अप्रोच करें। डेडिकेटेड वुमेन हेल्पलाइंस हैं, 1091 पर या 100 पर डायल करके आप कंट्रोल रूम से भी संपर्क कर अपनी शिकायतें हमको बता सकते हैं और कंसर्न पुलिस स्टेशन ज़रूर आपकी शिकायतों का कॉग्निजेंस लेकर उस पर कार्रवाई करेगा। बट ज़रूरत है कि ऐसे सारे जो मुद्दे हैं, सारे जो क्राइम्स हैं, उनको पुलिस को रिपोर्ट करने की। रोसेटा इलाइट के कार्यक्रम में बात करते हुए महापौर दयाशंकर तिवारी ने बताया कि इस वर्ष इसरो के माध्यम से 100 उपग्रह एक साथ अंतरिक्ष में बच्चों के माध्यम से बनाकर छोड़ने का निर्णय लिया गया था, जिसमें शहर के 2 बच्चों का भी समावेश था, जिनकी सराहना महापौर दयाशंकर तिवारी ने की है। नागपुर महानगर पालिका के बच्चे साइंस एग्जीबिशन के माध्यम से हमेशा अच्छा उपक्रम करते हैं। महानगर पालिका के एक उपक्रम को तो महाराष्ट्र सरकार ने पूरे महाराष्ट्र में लागू करने का निर्णय लिया और उसी प्रकल्प के माध्यम से निखर करके 2 ऐसे बच्चे आए जिन्होंने लगातार पिछले 3 वर्षों में राष्ट्रीय स्तर पर महानगर पालिका को पुरस्कार साइंस एग्जीबिशन में दिलाया। इस वर्ष इसरो के माध्यम से 100 उपग्रह एक साथ अंतरिक्ष में बच्चों के माध्यम से बना करके छोड़ने का निर्णय लिया गया, जिसमें 1000 बच्चों का चयन करने की उन्होंने कल्पना करी, जिसमें 100 बच्चे महाराष्ट्र के थे। उन 100 बच्चों में हमारे महानगर पालिका के 2 बच्चों ने भी पार्टिसिपेट करने का मानस बनाया। कोरोना का कार्यकाल था इसलिए स्कूलें बंद थी, बाकी लोगों से संपर्क नहीं हो सकता था, इसलिए पोर्टल पर हमारी महानगर पालिका की एक शिक्षिका ने डाला कि महानगर पालिका के बच्चों को कोई कौन स्पॉन्सर करेगा। केरल के माननीय मुख्यमंत्री जी ने नागपुर महानगर पालिका के 2 बच्चों को स्पॉन्सर किया। ये बात भी हमें आज एक बैठक में पता चली, जिस बैठक में हमें पद ग्रहण करने के बाद दोनों बच्चों का सत्कार करके जब उनके स्कूल में मैं गया तो पता चली ये दोनों बच्चे 17 और 18 तारीख को यही नागपुर में आयोजित एक सेमिनार में भाग लेंगे और उसके पश्चात 7 फरवरी को यह जो अंतरिक्ष यान है यह अंतरिक्ष में छोड़ा जाएगा। एक साथ 180 ग्राम के उपग्रह, 10 बच्चे मिलकर के एक उपग्रह बनाएंगे। इस प्रकार से 100 उपग्रह 10-10 बच्चे मिलकर के बनाएंगे। इस दृष्टि से 100 उपग्रह अंतरिक्ष में 7 तारीख को छोड़ने की बात है। महानगर पालिका के सुरेंद्रगढ़ परिसर के विद्यालय के हमारे उन 2 विद्यार्थियों का, उनके शिक्षिका का मैं विशेष रूप से हृदय से अभिनंदन करना चाहता हूँ। और महानगर पालिका का बच्चा अंतरिक्ष में अगर पहुँचने की बात कर रहा है तो इसके लिए नागपुर शहर के लिए इससे गौरव की दूसरी बात नहीं हो सकती। रोसेटा इलाइट के कार्यक्रम में पत्रकारों से संवाद साधते हुए पुलिस उपायुक्त विनीता शाहू ने महिलाओं की सुविधा और सुरक्षा के मुद्दे पर अपनी बात रखी और महिलाओं को अपनी बात खुलकर पुलिस के सामने रखनी चाहिए ऐसे जानकारी दी। इसका उद्देश्य होता है, रोसेटा इलाइट क्लब ही प्राइवेट संस्था है, हमें एक क्लब तैयार केलेला आहे जिथे फिटनेस वेलनेस याच्यावर भर दिलेला आहे आम्ही आणि त्यानुसार एम्युनिटीज तयार केल्या। पण त्याच्या व्यतिरिक्त कॉर्पोरेट असूनसुद्धा पण आमची एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीसुद्धा आहे। रोसेटा इलाइट क्लबने जसं तिवारी सरांनी सांगितलं, आमचे आदरणीय मेयर, की असे प्रायव्हेट संस्थांनी पण ऑर्फनेजेस किंवा सोसायटीसाठी काही कॉन्ट्रीब्यूट करायला पाहिजे। तर ऑर्फनेजेससाठी आम्ही कोरोना काळात खूप कार्य केलं, भोजनदान रोसेटा इलाइट क्लब आणि रोसेटा इलाइट क्लबच्या मेंबर्सनी कोरोना काळात खूप भोजनदान म्हणजे अशा गरजू लोकांना कोरोना काळात ते केलं। तर आम्हाला असं वाटलं की बाबा बिकॉज वी आर ऑलरेडी कॉन्ट्रीब्युटिंग इन सोसायटी, तर जे सोसायटीमध्ये ते
असे जे लोक आहे जे बीइंग इन टू पॉलिटिक्स म्हणा किंवा जे पोलीस डिपार्टमेंटमध्ये ज्यांनी पोलीस डिपार्टमेंटमध्ये पण कोरोना काळात खूप हार्डवर्क त्यांना करावं लागलं, फॅमिलीपासून दूर राहून त्यांना म्हणजे फॅमिलीपासून दूर राहून त्यांना ते सगळं कोरोना काळात हँडल करावं लागलं ते सिच्युएशन. रोसेटा एलाइट द्वारा जिस तरह के उपक्रम चलाए जा रहे हैं वे सच में सराहनीय है व समाज की दृष्टि से हितकारी भी है. कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ दिशा हटवार की रिपोर्ट.